किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबकी नजरों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी जिसे वरुण जी ने शेयर किया है, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक चिड़िया का जो दाना था वो पेड़ की कोटर में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से कहा कि मेरा दाना लौटा दो। पेड़ ने कहा, बढ़िया ही मुझसे दाना मांगने वाली, भगा दिया। चिड़िया को गुस्सा आ गया, नाराज हो गई, दौड़ करके पहुंची कारपेंटर के पास में, जाके कहने लगी, वो पेड़ को आप काट दो, मेरा दाना नहीं दे रहा है। कारपेंटर हंसने लगा, कि अजीब सी बात है, क्या बात कर रही हो तुम, एक दाने के लिए पेड़ को काट दो, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया को थोड़ा और गुस्सा आया, आपकी बार वो राजा के पास पहुंची। राजा के पास जाकर के बोली कि राजा साहब, कारपेंटर को आप सजा दीजिए। राजा ने पूछा क्यों, तो चिड़िया ने बात समझाई कि कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है, तो आप कारपेंटर को सजा दीजिए, वो अपने आप पेड़ काट देगा। राजा ने कहा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए, एक दाने के लिए मेरे पास में उड़ करके आ गई। चिड़िया वहां से भी नाराज हो गई। चिड़िया ने सोचा अब क्या करें। तो राजा जो था वो हर सुबह हाथी पर बैठ करके घूमने के लिए जाता था। चिड़िया महावत के पास पहुंच गई, जाकर के कहने लगी कि कल जब राजा साहब बैठे हैं तो उन्हें गिरा देना। महावत ने कहा क्यों भाई। चिड़िया ने पूरी बात बताई कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। महावत ने चिड़िया को वहां से उड़ा दिया कि पागल जैसी बातें कर रही हो। चिड़िया को और गुस्सा आया। चिड़िया आपकी बार सीधी हाथी के पास गई, हाथी को जाकर के बोली कि कल जब महावत बैठे तो उसे गिरा देना। हाथी ने पूछा भैया क्यों। तो चिड़िया ने पूरी बात बताई कि महावत जो है वो राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। हाथी ने भी चिड़िया को उड़ा दिया, कह रहे पागल जैसी बातें कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, इतने छोटे से काम के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूं। चिड़िया ने हार नहीं मानी। चिड़िया अब की बार चींटी के पास गई, जाकर के बोली कि सुनो, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ, खेल खत्म करो, हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है। चींटी ने बात समझी, क्या बात है, क्यों गिराना है, क्यों घुसना है हाथी की सूंड में। तो चिड़िया ने पूरा दुख सुना दिया, शुरू से लेकर अंत तक, कि पेड़ दाना नहीं दे रहा, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा, पूरी बात समझा दी। चींटी ने कहा, तुम्हारे इतने से काम के लिए मैं हाथी की सूंड में नहीं घुसूंगी। अब तक जो चिड़िया रिक्वेस्ट करती जा रही थी, विनय कर रही थी, अनुनय विनय कर रही थी, वो अब रौद्र रूप में आ गई। चिड़िया ने कहा, अच्छा ये बात। चिड़िया ने कहा, देखो मैं पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारपेंटर का नहीं बिगाड़ सकती, राजा का नहीं बिगाड़ सकती, महावत का नहीं बिगाड़ सकती, हाथी का नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हें चोंच में रख लूंगी, तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। चींटी डर गई, चींटी दौड़ के गई हाथी के पास, हाथी गया महावत के पास, महावत गया राजा के पास, राजा गया कारपेंटर के पास, बोला सजा मिलेगी, पेड़ काटो। कारपेंटर भागा पेड़ के पास काटने के लिए, पेड़ ने देखा कि कारपेंटर आ रहा है, पेड़ काट देगा। पेड़ ने कहा, अभी लौट आता हूं दाना। छोटी सी कहानी लेकिन सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत को कम मत आंकना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास तो है ही क्या, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे होगा ही क्या। इस दुनिया में याद रखिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है, तो दिमाग लगाइए, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं दिमाग आपको वहां तक लेकर के जाएगा जहां सोल्यूशन छिपा हुआ है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।